इष्ट ध्यान जिस भी इष्ट नूं असीं मनदे हाँ उन्हां नूं साक्षात उन्हां दा ध्यान करदे होए श्रद्धापूर्वक प्रणाम आशीर्वाद अंग संग्रह की बेनती और सेहतवर्धक प्रोग्राम दे लई उत्तम सेहत हासिल करके उन्हां दे निर्देश दे विच असीं अपने परिवार समाज देश और दुनिया की भलाई लई वध तों वध कम कर सकीए। तीन बार महाप्राण ध्वनि लंबा सांस भरते हुए अजीत वैब टीवी दे दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल अते नमस्कार। अज दा ये योग विषयक प्रोग्राम योग भजावे रोग ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस नूं समर्पित है जो अज 21 जून नूं 6वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर के देशों में मनाया जा रहा है। अजीत वालों भी उस दे विच अपना योगदान अज इस योग की लड़ी के नाल पाया जा रहा है। अज असी देखते हाँ जिथे योग तंदुरुस्ती लई हेल्पफुल हैगा आ उत्थे पूरा संसार करोना की बीमारी तो पीड़ित आ और उहदे विच योग किवें हैल्पफुल होवे इस नाल जोड़ के अज दी लड़ी नूं असीं अगे वधावांगे। जे भारत की गल करिए तां भारत विच पहलां 10वें स्थान ते सीगा और हुण करोना संक्रमित लोगों की गिनती 4थे स्थान ते दुनिया भर में आ गया। इहदा मतलब जदों लॉकडाउन खुल्लिया इसका सिट्टा निकलदा आ तां लोगों च थोड़ी जी अलगरजी या लापरवाही ने कम खराब किया और गिनती बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन दूसरे पासे जड़ी मौतों की गिनती आ वह दुनिया भर च 7वें स्थान पर है। इसका नतीजा ये निकलता हैगा कि जरूर ही साढ़े देश दे विच योग आचार्य योग दे प्रोग्रामा दे राही लोगों नूं सचेत करते और बीमारी तो लोग मुक्ति हासिल करते और इस ढंग अज भी असी भी एक अजिहा ही प्रोग्राम लैके आए हाँ। तो गल की जाती है कि शरीर के अंदर रोग ना लड़न की शक्ति किमें बढ़े तो एक बड़ा ही सरल जिहा प्रोग्राम असी थोड़े सामने लैके आ रहे हाँ जिसका नाम है प्रज्ञा व्यायाम। तो ये शांति कुंज हरिद्वार वालों की खोज है जिस दे विच बिल्कुल ही सूरज नमस्कार वांग बल्कि उस तो थोड़ा जिहा सोध्या होया एक प्रोग्राम हो सकता है। सूरज नमस्कार दे विच 12 आसन हुंदे आ और उहदे विच जनरली फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग हुंदी हैगी और वह भी जिहड़ा है मतलब साढ़े अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने दे विच रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने बड़ा हैल्पफुल हैगा। और जिहड़ा साडा अज दा प्रोग्राम हैगा उच फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग दे नाल नाल ट्विस्टिंग और फिर कुछ मुद्रावां और सांस नाल जोड़ के करना हैगा और इस ढंग नाल उस दे विशेष लाभ होने हैगे और ये हर उम्र लई बड़ा ही सरल और बड़ा ही उत्तम एक प्रोग्राम हैगा जिहड़ा कि शांति कुंज हरिद्वार वालियां दी खोज हैगी। और इहदे विच बच्चे तो लैके नौजवान और अधखड़ और ओल्ड एज दे लोग भी इहदे विच अपना योगदान पा सकते हैं। तो मैं एक छोटी जी उदाहरण भी देना चाहांगा। साडे केंद्र ते एक बजुर्ग आए जिन्हां दी उम्र 89 ईयर सीगी और अज भी वह योग करते हैं। सो बच्चों लिए भी ये उन्ना ही लाभदायक है और सियाने लोगों लिए भी उन्ना ही ये लाभदायक है। आओ
ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 16 ਆਸਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੰਢਾਈ ਔਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਣਗੇ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ 16 ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੂਗੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਤੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੀਤ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੋਗ ਭਜਾਵੇ ਰੋਗ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਈ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤਾਜ਼ੀ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ 16 ਆਸਣ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹਵਾਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੰਡ ਆਸਣ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੰਡ ਆਸਣ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਔਰ ਅੱਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਹੱਥ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਹਥੇਲੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਰਟ ਔਰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਦੰਡ ਆਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਸਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜੇ ਮੜ ਜੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ 16 ਆਸਣ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਲੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਜ਼ੂ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਹਥੇਲੀਆਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਟਾ ਕੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪੀਸਫੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਜੋਏਫੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਦੰਡ ਆਸਣ 'ਚ ਖਲੋਂਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ, ਉਂਗਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹਟੇ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਔਰ ਸਟੇਟ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੰਡ ਆਸਣ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 16 ਆਸਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾੜ ਆਸਣ। ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਜੋੜਿਆ, ਦਬਾਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੇ, ਕੂਹਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆਊਗਾ, ਸਾਂਸ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਂਸ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਥੇਲੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੂਹਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ੂ ਖਿੱਚਣੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਔਰ ਬਾਜ਼ੂ ਪੂਰੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ, ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਤਾੜ ਆਸਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਰੁਕ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਸਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਸ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਂਸ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਸਾਂਸ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਰੁਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਂਸ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅੱਡੀਆਂ ਨੀਚੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਮੂਲੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਸਾਂਸ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
सपोज शुरू चे हाथ इतने करेंगे ने कोई चिंता वाली गल नहीं, और फिर हौली हौली इनू इदा कर सकते हैं, गोडे थोड़े जो मोड़ लो, मोड़ के हथेलियाँ थोड़ी जी पैरों के थले दबा लो, और फिर लत्तों हौली 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 सीधिया करते जाओ। ये सांस बाहर, और इसनों असी कहने हस्तपाद आसन, ये दूसरा आसन हैगा जिस दे विच सांस बाहर हैगा। इस दे लाभां दी चर्चा बाद च करांगे। और तीसरा आसन, और फिर असी थोड़ा जिहा हत्थां दी सहायता भी लै सकते हैं, बिना हत्थां दी सहायता भी, और पंजे थोड़े लंबे कर लेने, अंगूठे मिला के अड्डियां खोल लेनियां हैगियां, और हथ गोडियां ते रख के बाजू बिल्कुल सीधे और आराम पूर्वक बैठ जाना हैगा। और इस नूं असी कहिंदे आं वज्र आसन, ये तीसरा आसन हैगा। और इहदे विच सांस नूं असी नॉर्मल रखना हैगा। हर पोजिशन दे विच मैं सांस की स्थिति बारे दसदा जावांगा। 3 नंबर और 13 नंबर दो स्थितियां अजिहियां हन जिन्हां विच सांस असी नॉर्मल रखना हैगा। तो आ तीसरा नंबर आसन सीगा वज्र आसन, और इस दे विच असी सांस नॉर्मल रखना हैगा, और इस दे लाभां की चर्चा भी बाद च करांगे। और हुण असी चौथा आसन करना हैगा, इदां ही गोड्यां ते खड़े हो जावांगे। शुरुआत दे विच गोडे मामूली जे खोल सकते हैं, और जो साड़ी प्रैक्टिस हो जाए फिर गोडे जुड़े जुड़े दे उत्ते ही, और असी बैकवर्ड बेंड करना हैगा। और शुरुआत इत्थे हाथ रख के जां थोड़े थले वल नूं हथेलियां रख के इस ढंग नाल बैकवर्ड बेंड कर सकते हैं सांस भरते हुए। इसनों अर्धउष्ट्रासन भी कहने, उष्ट्रासन या कैमल पोज, सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंड करना है। और फिर हौली हौली असी इदा भी कर सकते हैं, इदा गोडिया ते खड़े हुए हाथ पट्टा ते आ, सांस भरते हुए सज्जा हाथ घुमाओ, और जोड़ी पंजे आ थोड़े जो पहले शुरुआत खड़े कर लेने चाहिए, इदा अड्डिया उच्चिया हो जाएगियां थोड़ियाँ, और इदा हाथ आराम अड्डी टच कर जूगा जो पंजे शुरू शुरू खड़े कर लाँगे। बाद पंजे लंबे रख सकते हैं, और इदा ही खब्बा हाथ घुमाते हुए खब्बी अड्डी ते लै गए, दोनों हाथ अड्डिया ते आ गए, और हुण पेट अगे वल और सिर पिछे वल, और सांस भरते हुए रोकते हुए रुकना का एंड रिलैक्स। ये चौथा आसन सी सांस भर के। हुण पंजे लंबे, अड्डियां खोल के उपर बैठांगे, और हुण हत्थां दा लॉक लगा के पिछले पासे लै जावांगे, और हथेलियां दा रुख थले वल नूं होऊगा, और फिर सांस छड़दे हुए असी हौली हौली नीचे वल नूं जाना हैगा, सांस छड़दे चले जाना हैगा। और कोशिश करनी है कि मत्था जमीन दे नेड़े जावे, और फिर हाथ उपर वल नूं चकदे जाना हैगा, हाथ होर उपर जिन्ना उपर चक सकते हैं, और हौली हौली जड़ा है तुहाडा मत्था जमीन नाल टच कर जाए। सांस बाहर एंड रिलैक्स। ये पंजवा आसन आ जिन्हों असी कहने योग मुद्रा। छेवा आसन, हाथ जोड़ांगे, दबावांगे, खिचांगे, थोड़ा कन्ना तो पिछे रखांगे, सांस भरांगे, इनू कहने अर्धताड़ आसन, ये छेवा आसन है। सतवा आसन, हाथ खोलांगे क्योंकि अगे वल नूं जाना हैगा, पहला थोड़ा जिहा पिछे जाओ, और फिर सांस छड़दे हुए हौली हौली हाथ जमीन नाल लग गए, और मत्था जमीन दे नाल हाथ लंबे लेंदे जाओ, और जिदा खरगोश दे लंबे कन्न हुंदे खरगोश आसन इहनूं कहिंदे आ, और इसनूं शशांक आसन कहिंदे आ, हिंदी च शशांक कहिंदे आ, पंजाबी खरगोश आसन, हेयर आसन। और खरगोश वर्गा फुर्तीलापन, चुस्त दिमाग, और सांस बाहर पट्टां दा दबाव पेट ते, हौली हौली जिहड़ा सांस सिर वा वो जमीन दे नाल लग गया, और हाथ लंबे खिचने हैगे। ये सीगा सतवां आसन। हुण अठवां आसन है सिर चुको, हत्थां ते भार पाते हुए अगे वल नूं जाओ, सांस भरते जाओ, और ठोडी उठाओ, जिन्ना बैकवर्ड बेंड कर सकते हैं सांस भर लेना हैगा। और फिर अजे भी इच होर थोड़ी जी सुधार करना हैगा, कूनिया तो माड़ा जिहा झुकना हैगा, नाभी जमीन दे नाल लग जाए, सिर बैकवर्ड बेंड मैक्सीमम करके रखना हैगा, और इत्थे रुकना हैगा। ये है भुजंग आसन अठवां नंबर, सांस भर के। और हुण बाजू माड़े जिहे सीधे कर लो,
हुण सांस छड्दे होए सज्जी साइड वल नूं गर्दन मरोड़नी हैगी और खब्बी अड्डी देखनी हैगी। इहनूं असीं तिरयक भुजंग आसन कहिंदे आ, तिरछा भुजंग आसन। और फिर सांस भरदे होए वापस, और इदां ही दूसरे पासे सांस छड्दे होए 10 नंबर तिरयक भुजंग आसन, खब्बे पासे नूं गर्दन मरोड़नी हैगी, सज्जे पैर दी अड्डी नूं देखण दी कोशिश करनी हैगी। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 10ਵਾਂ ਆਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ 11ਵਾਂ ਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਜ਼ੂ ਲੰਬੇ, ਸਾਂਸ ਬਾਹਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਆਸਨ। ਇਹ 12ਵਾਂ ਆਸਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਧਦਾੜ ਆਸਨ। ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ 13ਵਾਂ ਆਸਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੋਡੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਦਬਾਵ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਆਸਨ ਹੈ। ਇਹ 13ਵਾਂ ਆਸਨ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, 3 ਨੰਬਰ ਔਰ 13 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਤਕਟ ਆਸਨ। 13ਵਾਂ ਆਸਨ ਉਤਕਟ ਆਸਨ, ਸਾਂਸ ਨੋਰਮਲ, ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਆਸਨ, ਪੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਔਰ ਸਿੱਧਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਬੋਡੀ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਬਣੇਗਾ। 13ਵੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 14ਵਾਂ ਆਸਨ, ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਸਤਪਾਦ ਆਸਨ, ਔਰ ਮੱਥਾ ਜਿੰਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਸਤਪਾਦ ਆਸਨ, ਸਾਂਸ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਫਿਰ 15ਵਾਂ ਆਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਬੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ 15ਵਾਂ, ਅੱਡੀਆਂ ਜੋੜੋ, ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚੋ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉਠਾਓ, ਹੱਥ ਖਿੱਚੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਔਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਟਰੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ 15ਵਾਂ ਆਸਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ 16ਵਾਂ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀਆਂ ਨੀਚੇ ਲਿਆਓ, ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਂਸ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਆਸਨ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਬਰੇਵ, ਆਈ ਐਮ ਬਰੇਵ, ਆਈ ਐਮ ਬਰੇਵ, ਆਈ ਐਮ ਬਰੇਵ, ਆਈ ਐਮ ਬਰੇਵ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣੇ ਆ, 16 ਆਸਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੀਜੂਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੌਖੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਾਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਸਣ 'ਚ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਟੇਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਔਰਗਨਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੀਏ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੰਡ ਆਸਣ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਸਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਸਾਂਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸਾਂਸ ਛੱਡਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸਾਂਸ ਭਰਨਾ, ਔਰ 3 ਨੰਬਰ ਔਰ 13 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ 16 ਦੇ 16 ਆਸਣ ਸਾਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਦੁੱਗਣਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਸਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੀਏ ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪੰਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਦੰਡ ਆਸਣ 'ਚ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਆਸਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾੜ ਆਸਣ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਸ ਛੱਡ ਦਿਓ,
छाती की हड्डी से दबाव पाओ, कूनिया उठाओ, यदा विशेष फायदा हैगा। इतने साढ़े एक ग्रंथी होंगी है थाइमस ग्लैंड, जिहड़ी रोग नाल लड़न च विशेष फायदा करती है, और बच्चों नूं इहदा विशेष फायदा। शायद साढ़े वड्डे बजुर्गों ने नमस्कार की परंपरा इसे करके की, इतने जो नमस् हाथ जोड़ते हैं तो थोड़ा जिहा सिर झुकाने, इतने दबाव पैंदा हैगा और ये थाइमस ग्लैंड जिहड़ी एक्टिवेट होंगी हैगी। और हुण सांस भरते हुए उपर वल तुरे जाना हैगा और पूरा दबा के रखने, खिच के रखने, कन्ना तो थोड़ा जिहा पिछे रखने और अड्डियां उठा के इत्थे रुकना हैगा। और इहदे विशेष फायदे की है, उपर वल नूं स्ट्रैच करना कद वधाउण दे विच विशेष इहदा योगदान हैगा, हल्ट नूं ताकत देण दे विच इहदा विशेष योगदान हैगा, मोटापा घटाउण दे विच इहदा विशेष योगदान हैगा ताड़ आसन दा, और फिर अड्डियां नीचे। हुण दूसरा जिहड़ा है, हत्थ सामने खोल ले ते नीचे वल नूं झुकना हैगा। पहलां पिछे नूं माड़ा जिहा गए, सांस छड्डदे हुए नीचे वल गए, हस्तपाद आसन, हथ पैरां दे नेड़े जिथों तक जाते हैं, जे जमीन ना टच नहीं करते तो मड़ जे गोडे झुका के हथ दबा लो और फिर लत्तां नूं अकड़ा लो, तो इत्थे रुकन की कोशिश करनी हैगी। सांस पूरा बाहर, और इहदे नाल साडी बैक स्ट्रोंग हुंदी है, लत्तां च ताकत बढ़दी हैगी, मोटापा घटदा हैगा, और हत्थां और पैरां दी कमर दी ताकत बढ़दी हैगी। तीसरा आसन जिहड़ा है, गोडियां पर बैठ गए और फिर असी नॉर्मल सांस लेने हैगे। ये पाचन वास्ते सब तो बेस्ट आसन हैगा, डाइजेस्टिव सिस्टम लई। रोटी खाने तो बाद 10 मिनट एवें बैठ के करो तो रोटी वधिया हजम हुंदी हैगी। सो पाचन प्रणाली लई ये वन आसन हैगा, और कंसंट्रेशन वास्ते बड़ा, जिन्हां नूं तनाव रहिंदा हैगा वह थोड़ी देर इदा बैठ के अखां बंद करके ताज़ी हवा दे विच गहरे लंबे सांस लवो, तो वज्र आसन इहनूं कहिंदे आ, और इहदे विशेष फायदे हुंदे आ तनाव मुक्ति तो और पाचन की मजबूती वास्ते। तो मैं एक एक आसन के लाभों बारे भी नाल दी नाल दसदा चला जा रहा हाँ। और चौथा आसन हैगा, गोडियां ते खड़े हो गए, थोड़े जे गोडे खोले जा सकते शुरू शुरू में, सज्जा हथ सज्जी अड्डी ते, खब्बा हथ खब्बी अड्डी ते, सांस भरते हुए और बैकवर्ड बेंड, पेट अगे वल, छाती पिछे वल। और हुण मैं पंजे लंबे रखे हुआ तो ये मैक्सीमम अच्छी स्थिति हो सकती है, और फिर इहदे नाल बैक पेन दूर होगी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर होगी, और छाती चौड़ी होगी, सांस दियां प्रॉब्लम्स दूर होणगियां एंड रिलैक्स। ये सी चौथा। पंजवा आसन है जिहड़ा है, फिर असी वज्रासन च बैठे हाँ, हथेलियां दा लॉक लगा के थले वल नूं हथेलियां आ, सांस छड्डदे हुए नीचे वल जाना हैगा और मत्था जमीन दे नाल लगाउण दी कोशिश करनी हैगी। जे नहीं भी लगता तो कोई गल नहीं, हथ उपर, इहनूं कहिंदे योग मुद्रा, सांस बाहर। तो पेट लई खास तौर ते बड़ा उत्तम आसन हैगा, जिन्होंने शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर वाले ने ये वरदान हैगा, और मतलब डाइजेशन ये मजबूत होंदा हैगा। फिर असी छेवां आसन, हथ खिचने, क्योंकि पिठ ते खिच पई, हुण पिठ नूं रिलैक्सेशन देण वास्ते असी अर्ध ताड़ आसन करना, खलो के करिए ताड़ आसन आ, ते बैठ के करिए अर्ध ताड़ आसन हैगा। इस नूं खिचदे जाना हैगा और सांस नॉर्मल, तीन नंबर दे विच मैं दस्सिया सी, 3 और 13 दे विच सांस नॉर्मल रखने हैगे, और इहदे नाल कंसंट्रेशन बढ़ूगी, एकाग्रता बढ़ूगी। और फिर सत्तवां आसन, थोड़ा जिहा पिछे गए और सांस छड्डदे हुए हथेलियां जमीन ते अगे वधांदे गए, मत्था जमीन दे नाल जां नेड़े, सांस बाहर, पट्टां दा दबाव पेट ते, तो बुद्धिवर्धक बलवर्धक पेट ते दबाव, पेट दियां प्रॉब्लम्स दूर, गैस दूर, कब्ज़ दूर, मोटापा दूर, और शरीर हल्का फुल्का, बुद्धि तेज़। ये सी सत्तवां। अठवां आसन जिहड़ा हैगा, सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंड, ठोडी उपर उठा लेनी हैगी और इत्थे झुकना हैगा, नाभी जमीन ना लग जाए, ठोडी मैक्सीमम बैकवर्ड बेंड। तो भुजंग आसन जिद्दां सप्प दे चेहरे ते बड़ी चमक हुंदी हैगी, चेहरे ते ग्लो आऊगा और बैक पेन दूर होगी, अनेक सारे लाभ। और फिर बाजू थोड़े सीधे करके ट्विस्टिंग, सांस छड्डदे हुए सज्जे पासे गर्दन मरोड़ांगे, खब्बे पैर दी अड्डी नूं देखांगे, मैक्सीमम ट्विस्ट भी करना, नाल बैकवर्ड बेंड है, नाल ट्विस्ट है, और इस ढंग नाल कम जिहड़ा है तनाव मुक्ति वास्ते बड़ा हैल्पफुल हैगा। वापस और इहदे दूजे पासे, सांस छड्डदे हुए खब्बे पासे जाना हैगा,
सज्जी अड्डी देखने की कोशिश करनी हैगी और एक मिनट सैकेंड भी रुको, सांस बाहर रुकना है और दोनों पास एक कुछ अलाव। और दसवें तो बाद ग्यारहवां अड्डिया ते बैठना हैगा और सांस छड़दे हुए मत्था जमीन ना लगाना हैगा और फिर सांस भरते हुए उपर अर्धताड़ आसन चर्चा कर चुके हैं और फिर पंजे कट्ठे करके अड्डिया ते बैठना हैगा। गोडे जोड़ भी सकते हैं, गोडे खोले जान तो होर भी अच्छी गल है। हथेलियां का दबाव छाती की हड्डी ते और नॉर्मली सांस बैलेंस का उत्तम आसन आ। इस थोड़ा वध भी रुकया जा सकता है और पंजां दा सीधा कनैक्शन दिमाग नाल हुंदा हैगा। पंजां दे वजन शरीर च कोई नो ट्रैम्बलिंग और जिन्ना शरीर मतलब कंबन तो रुकूगा स्थिरता होगी उन्नी माइंड की स्थिरता होगी। बॉडी एंड माइंड की स्टेबिलिटी वास्ते ये उत्तम है उत्कट आसन। 13वां 14 नंबर हाथ जमीन ते लगा के सांस छड़दे हुए हस्तपाद आसन चर्चा आप कर चुके दे लब्बां दी और फिर सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंड करना हैगा और फिर हाथ जोड़ो अड्डियां जोड़ो, हाथ खिचो अड्डियां उपर नू खिचो, कन्ना तो थोड़ा पिछे हाथ रखो। जिन्ना शरीर खिचांगे उन्ने फेफड़े स्ट्रोंग, उन्ना हल्ट स्ट्रोंग और उन्ने लंबे सांस लैन की शक्ति बधूगी, कद बधूगा और बैलेंस दा भी ये आसन हैगा। बैलेंस ऑफ बॉडी एंड बैलेंस ऑफ माइंड। और हुण अड्डियां थले, हुण हाथ खोलने हैगे, मुठियां बंद, हौली हौली मन च सोचते हुए आई एम ब्रेव, 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 आई एम ब्रेव एंड रिलैक्स। सो इस ढंग नाल असी 16 आसनों की लड़ी। पहले राउंड दे विच आसनों के बारे विस्तार नाल गल की और दूजे विच उन्हां दे लाभां दे बारे चर्चा की और सानू आस है कि इन्हां दे तुहानू विशेष फायदे होणगे। और सारे दर्शक जे ये 16 आसनों नू सिख लैणगे तां फिर की होगा कि साडा शरीर रोग नाल लड़न दे समर्थ हो जाऊगा। अज असी सिंपल आसनों की लड़ी समाप्त की हैगी। अंत में मैं कहना चाहांगा कि पंजाबी बोलन वाले या पंजाब दे देश और विदेश में बैठे लोगों लिए यह प्रोग्राम विशेष महत्वपूर्ण हो सकता है। चाहे किसी भी देश कोई करोना पीड़ित व्यक्ति है और चाहे कोई तंदुरुस्त व्यक्ति है, चाहे कोई बच्चा है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति है, जेकर यह 16 आसना दे अभ्यास नूं कीता जावे तां यह 16 आसन करन च मात्र 2-2.5 मिनट खर्च हुंदे हैगे और इस दे 4-5 राउंड लगा लिते जान तां एकदम जिहड़े आ 16 आसन भी हो गए और हर आसन नूं सांस नाल जोड़ के करन दे नाल और सूक्ष्म जिहड़ा है मानसिक विकास भी हुंदा हैगा। तो जिम जिहड़े आ जे वो फिजिकल फिटनेस वास्ते बड़े उपयोगी आ, ये फिजिकल फिटनेस दे नाल नाल मानसिक फिटनेस लई भी उपयोगी आ। और तीसरा अध्यात्मक फिटनेस दे लई भी ये बड़ा उपयोगी हैगा। साढ़े शरीर में 7 चक्कर होंदे हैगे और मूलाधार चक्कर सब तो नीचे रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा, फिर उस तो अगे स्वादिष्ठान चक्कर और फिर मणिपुर चक्कर, अनाहत चक्कर और विशुद्धि चक्कर, आग्ञा चक्कर और फिर इस सहसरार चक्कर कहने। और सारे चक्कर एक एक आसन करन दे नाल एक एक जिहड़ा चक्कर वा वह जागृत हुंदा हैगा और चक्करां दे जागृत होण नाल जदों असीं अखां बंद करके चक्करां ते ध्यान रखते हुए इन्हां आसनां नूं करदे हां तां फिर साडे सारे चक्कर जागृत हुंदे आ ते फिर साडी अध्यात्मक शक्ति भी जिहड़ी आ उह इहदे नाल बढ़दी हैगी। सो एक सिस्टम 16 आसनां दा और इहदे नाल शरीरक, मानसिक और अध्यात्मक तिन्ने तरह की शक्ति जिहड़ी आ वह मिल जानी हैगी तो फिर रोग साडे लई की मायना रखदे आ। इस करके अज ना जोड़ के ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल हैगी और अज विशेष तौर पर एक 6वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आ, इस उत्ते ये अजीत अदारे वालों दर्शकों वास्ते एक विशेष भेंट हो सकती है। इहदे नाल नमस्कार, अगली कड़ी लई फिर तुहाडे को अगले एतवार तुहाडे सामने हाजिर होवांगे। धन्यवाद जी। देश दुनिया ते करोना महामारी का असर, इस जरूरी है कि तुहानू मिले सही जानकारी अते पता होवे सच्ची खबर। अजीत वेब टीवी दे सैकड़े पत्रकारां दी है हर पल हर जगह ते हर स्थिति ते पैनी नजर। पिंड कस्बा शहर होवे या देश विदेश, असी जुड़े हां तुहाडे नाल अखबारां ते सोशल मीडिया राही।
कलम की ताकत ते वेब टीवी दे माध्यम दे नाल हर जन तक पहुंचावांगे हर मन दी आवाज, हर आमो खास ते हकूमत नूं भी करांगे सवाल जवाब। आप नहीं तां पहुंचेगी साडी वीडियो कॉल। अफवाहां तों बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वेब टीवी दे नाल।